पूनम पांडे ने किया बड़ा खुलासा, बोली मेरी माँ मार खा रही थी, डैड चिल्ला रहे थे। वर्ल्ड कप पर कपड़े उतारने वाले बयान पर पूनम पांडे ने किया बड़ा खुलासा। पूनम पांडे ने बताया कि उन्होंने क्यों कपड़े उतारने वाला बयान दिया था। पूनम ने यही बताया कि इस बयान के बाद उनके परिवार का कैसा रिएक्शन था। आपको बता दें कि पूनम पांडे का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। पूनम पांडे साल 2011 में सबसे पहले चर्चा में आई थी जब उन्होंने भारत में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बयान दिया था कि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो वो अपने सारे कपड़े उतार देंगी। उसके बाद पूनम पांडे सोशल मीडिया पर अपने बुड लुक और न्यूड फोटोशूट की वजह से खूब चर्चा में रही। अब पूनम पांडे ने बताया कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था। रेडियो मिर्ची को दिए इंटरव्यू में पूनम पांडे ने काफी कुछ कहा है। पूनम पांडे ने रेडियो मिर्ची से बात करते हुए कहा कि मैं तब 18 वर्ष की थी और मैं सोच रही थी कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, चलो कुछ बड़ा करते हैं। मैंने क्रिकेट देखा कि क्रिकेट चल रहा है और पूरे देश में सब लोग क्रिकेट ही देख रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो क्रिकेट का नॉलेज था और ना ही मैं किसी क्रिकेटर्स का कुछ जानती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया और ये एक बड़ा स्टेटमेंट था, इंडिया तो हिल जाएगी, और मैंने यही सोच के स्टेटमेंट दिया था और मैंने वो स्टेटमेंट दे दिया और टीम इंडिया जीत भी गई। इसके बाद पूनम पांडे ने कहा कि मैं डर गई थी कि अब क्या करें। इसके बाद पूनम पांडे ने कहा कि मैं पूरी तरह से डर गई थी कि अब आगे क्या करना पड़ेगा, और घर पर मेरे ड्रामा चालू था। मेरी माँ मार खा रही थी और डैड चिल्ला रहे थे कि तूने क्या बोल दिया और अब क्या करेगी। पूनम पांडे ने आगे कहा कि मैंने कभी इस बारे में बात नहीं की, कोई मुझे नहीं जानता है। सभी यही जानते हैं कि कंट्रोवर्सी क्वीन जो हमेशा अपनी बॉडी शो ऑफ करना पसंद करती है। हाँ, मैंने ऐसा किया और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। मेरे दिमाग में बस यही ऑप्शन आया, मुझे ये मौका लगा क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी जैसा कि बाकी लोग करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया था। तो रेडियो मिर्ची को दिए इंटरव्यू में पूनम पांडे ने खुलासा किया है कि वो आगे बढ़ना चाहती थी और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने ये न्यूड होने का ऑप्शन चुना था। और पूरी दुनिया साल 2011 में उस वर्ल्ड कप को देख रही थी और मैंने ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से मैं चर्चा में आई और आगे बढ़ने का मौका मिला। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।